हेलो एवरीवन, लेयर 3 एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चले कि किस तरीके से हम एक कंसेप्ट को अगर समझ जाते हैं तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इजी वे में कर सकते हैं। और इसी टाइप से हमको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पढ़ना होता है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने लिया है और वो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वैसे टेंस के नाम की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो ये याद रखिए कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसमें मिस्टेक्स होती है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो जनरली हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका होता है, हालांकि हमारा तरीका नहीं है, ये आपको ही सिखाया जाता है किसी के द्वारा, तो वो एक इस तरीके से होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैज़ थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, और ये वहाँ लगता है जहाँ पर आता है चुका है चुकी है। तो पहली बात तो ये कि हमको ये तो पता चले कि पहले चुका है चुकी है कहाँ आता है, क्योंकि जनरली हमारी हिंदी सही नहीं है, तो ये इस तरीके से पढ़ना जो है वो एक तरह से बकवास है, कोई मतलब है नहीं। मैं आज आपको बताऊँगा किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको हिंदी नहीं मिलेगी, है ना, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में आएगा और आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। तो इसलिए आपका तरीका जो है इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए, ना कि हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद करते हैं कि जहाँ पे चुका है चुकी आता है वहाँ पे हम हैज़ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चुका है चुकी आता कहाँ है, क्योंकि जनरली लाइफ में तो हम इस ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी आपने बोला आज तक कि चुका है चुकी है चुका था, ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया होगा, तो आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, और आजकल एग्जामिनर इसी टाइप की क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो देखते हैं हम हैज़ थर्ड फॉर्म होता क्या है। देखिए हैज़ थर्ड फॉर्म, सबसे पहले तो हैज़ और हैव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हैज़ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे ही हैज़ शी हैज़ इट हैज़ और किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हम जनरली हैज़ लगाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हैव की, तो हैव आता है आई यू वी और दे, आई हैव यू हैव वी हैव दे हैव, ठीक है, तो इनके साथ लगाते हैं हम हैव। ही के साथ हैज़ होता है, शी के साथ हैज़ होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं हैज़ हैव और साथ में इसके लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैसे पता चलेगा हमको कि ये वाला फॉर्म हमको लगाना है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म वहाँ पे लगता है जहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरीके से होती है, फ्रीक्वेंसी में होती है, जैसे यहाँ पे हुआ फिर हुआ फिर हुआ फिर हुआ, इस तरह का अगर कोई भी काम होता है तो वहाँ पर हम इस फॉर्म को लगाते हैं। जैसे कि चाय का पीना, तो चाय मैंने मॉर्निंग में पी, फिर इवनिंग में पी, फिर नून में पी, फिर इवनिंग में पी, फिर रात को पी, तो इस टाइप से दिन में मैंने 4 बार चाय ली, है ना। अब मान लीजिए कि किसी आदमी ने मुझसे पूछा कि चाय लीजिए, तो और मैंने चाय ऑलरेडी पी रखी है, तो मैं उसको बोलूँगा आई हैव ऑलरेडी टेकन, तो मैंने उसको क्या बोला आई हैव टेकन। तो आई हैव टेकन इसलिए बोला क्योंकि चाय मैं बार बार पीता रहता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को बोलना है कि मैं नहा लिया, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि आई टुक बाथ, तो आई टुक बाथ का मतलब तो हो जाएगा कि मैं नहाता था और अब मैंने बंद कर दिया, जबकि यहाँ पर आपको बोलना है कि मैं नहा लिया, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव टेकन बाथ। हैव टेकन बाथ क्यों? क्योंकि नहाना जो है वो रोज का काम है, इसलिए बार बार आदमी नहाता रहता है, आज नहाया कल परसों, रोज का काम है, इसलिए वहाँ पर हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आपको बोलना है मैंने होमवर्क कर लिया, तो वहाँ पर आप बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करना जो है वो एक तरह से रोज का काम होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ जिससे आपके ये टेंस करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में रिसेंटली, ऑलरेडी या फिर येट आता है, तो रिसेंटली आता है मतलब कि सामने वाला बोलना चाह रहा है कि मैंने अभी अभी चाय ली है, रिसेंटली, तो रिसेंटली मतलब एक बार वो ले चुका है और वापस से हम पूछ रहे हैं, तो रिसेंटली आई हैव टेकन। ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी का मतलब आप समझते हैं कि पहले से ही, तो आई हैव ऑलरेडी टेकन। और येट, अगर ये तीनों चीज़ें आती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आपके क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में। देखिए यार, अब जनरली क्या होता है कि मैं पिछले साल के जितने भी हैं सारे पेपर मैंने आपके देखे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको वहीं से करवा रहा हूँ, तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कीवर्ड्स वाले, जैसे कि ये आ गया सब रिसेंटली।
अब रिसेंटली के बाद में लिखा है आई टी और ऑप्शन दे दिया आपके टेक टी, टुक टी, हैव टेकन टी, हैड टेकन टी। तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर कीवर्ड याद है और कीवर्ड आपका क्या है, रिसेंटली। और अगर रिसेंटली आ गया तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, रिसेंटली आई हैव टेकन टी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस रिसेंटली की जगह मैं ले लेता हूँ यूजुअली, रिसेंटली को हटा के मैं यूजुअली लेता हूँ तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यूजुअली आई टेक टी। अब यूजुअली से क्या होता है कि मैं यूजुअली आई टेक टी, मैं जनरली चाय लेता रहता हूँ, है ना, सुबह पीता हूँ फिर दिन में पीता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिसेंटली, मतलब ये बात कर रहा है कि ये चाय इसने ले ली है, चाय फिनिश हो गई है, तो इसलिए रिसेंटली आएगा तो आई हैव टेकन टी, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आई ब्लैंक ऑलरेडी दिस प्लेस, अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऐसे केस में हमको समझ में आ जाता है कि हैज़ है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब आई के साथ क्या लगाना है, तो हैज़ तो आप लगाएंगे नहीं, हेड आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, तो बचा हैव, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस, मैं इस प्लेस पे पहले भी आ चुका हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्लेस, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा कीवर्ड्स, देखिए अगला कौन सा कीवर्ड्स है जिसमें टेंस लगता है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम्स आ जाता है, टाइम्स से मतलब टू टाइम्स, थ्री टाइम्स या ऐसा कोई भी टाइम्स आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको यही टेंस लगाना है। उसका कारण यह है कि आप किसी भी काम को दो बार कर चुके हैं, तीन बार कर चुके हैं, इसका मतलब कि वो चीज़ बार बार होने वाली है, और जो भी चीज़ बार बार होने वाली होती है वहाँ पर हमको यही फॉर्म लगानी पड़ती है। इसलिए अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाता है मैनी टाइम्स, तो मैनी टाइम्स जैसे आया और आपने लगा दिया आई हैव सीन, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश को इंग्लिश की नज़र से मत देखिएगा क्योंकि आपको वैसे भी इंग्लिश इंग्लिश जैसी नहीं लग रही होगी, मेरे बताने का तरीका बहुत अलग रहता है, इसमें मैं आपको बिल्कुल डरा डरा के नहीं पढ़ाता हूँ। और मैं तो इवन ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम पे हमारे यहाँ से कम 10 सिलेक्शन हुए थे MPSI में, तो उसमें से ऑलमोस्ट सभी लोगों के 25 प्लस नंबर थे, 25 से ऊपर, और बहुत ईजी वे में हम ला सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करवाया था तो आपने देखा था कि किस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज के ज़माने में आपको ध्यान रखना है, सतर्कता से चलना है क्योंकि आजकल भेड़ की चाल बहुत चल रही है, जैसे कि ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। हमेशा वो काम कीजिए जो आपका दिल मानता है ना। बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जगह पैसे भी बर्बाद कर देते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो आप ध्यान रखिए, बस आपका मन जो कहता है वो आप करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको किससे कुछ पूछना नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ ये क्लास सही है तो मुझे यहाँ जाना, या फिर ये चीज़ सही है मेरे को इस किताब से पढ़ना है ना, तो आपको अलग अलग आप खुद देखिए, क्योंकि जितना आप खुद को जानते हैं उतना दूसरे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए खुद को खुद देखिए कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, बाकी फिर आपकी इच्छा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या टाइम्स, तो टू टाइम्स, थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स या मेनी टाइम्स या ऐसा कुछ भी आता है तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे ये फॉर्म लगाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है मेरा दोस्त, उसने मुझे बोला कि आज तेरे को एक मूवी दिखाता हूँ मैं ज़ोरदार। मैंने बोला कि कौन सी, बोले कि एक सरप्राइज़ मूवी है, तू तो बस मेरे साथ चल। मैंने कहा नाम तो बता, बोले नाम घर जाके बताऊंगा मैं। अब वो घर ले गया उसके और उसने मूवी स्टार्ट करी। अब मूवी आई वहाँ पे कौन सी, सूर्यवंशम। अब जैसे ही मूवी आई तो अब मैंने उसको क्या बोला, तो मैंने उसको बोला कि भैया आई हैव सीन दिस मूवी मेनी टाइम्स, पिक्चर ये मैंने 1000 बार देख ली है, आई हैव सीन दिस मूवी मेनी टाइम्स। क्योंकि आप सूर्यवंशम सुबह शाम देखते हैं, जैसे अपन गोलियाँ लेते हैं ना एक सुबह एक शाम को, तो इस टाइप से सूर्यवंशम देखने का काम रोज पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है, जैसे ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आया है मेनी टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैसे क्वेश्चन मार्क लगाइए पीछे क्योंकि ये पूछ रहा है, तो जैसे ही मेनी टाइम्स आया तो ये किस इसकी वर्ड से अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है कि यू, तो ये देखिए हैव यू, और ये अब सो तो यहाँ आता नहीं है, तो हैव यू सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स, ठीक है। तो ये मैनी टाइम्स की वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड्स अगला देखते हैं, अगला कीवर्ड्स क्या है, अगला कीवर्ड है आपका बिफोर। अब बिफोर से मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगल बिफोर आता है, जैसे कि ये बिफोर आ गया यहाँ पे। अब देखिए बिफोर में किस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिफोर है ये सिंगल बिफोर, सिंगल बिफोर मतलब कि इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं है। तो कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर आता है
ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सारे आप ही की एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बिफोर आता है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हो गया क्या, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। अब जैसे कि वो बंदा मुझे घर पे मूवी दिखाने ले गया था और उसने मूवी स्टार्ट करी कौन सी, सूर्यवंशम। तो मैंने उसे कहा था कि भैया आई हैव सीन दिस मूवी मेनी टाइम्स, तो उसी की जगह मैं एक और चीज़ उसको बोल सकता था कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, मैं ये पिक्चर तो पहले भी देख चुका हूँ। तो आपने ही देखा होगा जैसे कि हम यूज़ करते हैं पहले भी, जैसे कि बहुत सारे लोगों से हम बोलते हैं कि यार मुझे लगता है कि हम पहले भी कभी मिले हैं, तो वो जो पहले भी होता है वहाँ पर हमको ये फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वी बिफोर, कि हम, अब यहाँ पर वर्ब आ रही है मीट, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हम पहले भी कभी मिले हैं बिफोर, तो यहाँ पर बिफोर आ रहा है तो हमने यहाँ पर लगा दिया हैव मेट, है ना। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वी हैव मेट बिफोर, हम पहले भी कभी मिले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर बिफोर आता है तो वहाँ पर आपको हैव थर्ड फॉर्म लगाना है। लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि अगर बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और बिफोर के इधर हैड थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अभी देखिए बिफोर के पहले हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन वो तब जब बिफोर अकेला होता है तो हम ले लेंगे हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन जब बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो इधर लेना पड़ता है हमको हैड थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल में आपको बता देता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर अगर चार ऑप्शन आते हैं तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों लिया हैड, क्योंकि बिफोर के बाद आ रहा है सेकंड फॉर्म। तो इस चीज़ को आप कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए लाइन आई है, तो मैं बता देता हूँ कि आप इसी टाइप से अगर सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं और आप वास्तव में चाहते हैं कि आप 30 में से 30 नंबर स्कोर करें, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं जिसमें आपको एक एक कंसेप्ट बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, और हर चैप्टर के हमने कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं ताकि बहुत ही ईजी वे में आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तो इसका जो शुल्क होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही कम शुल्क ले रहे हैं हम और बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको ये आज वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से, ये तो हालांकि डेमो वीडियोज़ होते हैं, कोई भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पर अपने पूरे वीडियो नहीं डालता है। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि हम जैसे यूट्यूब से पढ़ के और एग्ज़ाम निकाल लेंगे, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई मजाक की एग्ज़ाम नहीं है, है ना। यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपका एक स्टेटस बनता है और साथ ही आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि हम तो यूट्यूब के वीडियोस देख देख के हमारा सिलेक्शन करवा लेंगे, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर पूरे वीडियोस नहीं डालता। ये जो हम डालते हैं ये तो एक डेमो होते हैं ताकि इससे आपको एक आपका थोड़ा सा जैसे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो सभी यूट्यूबर्स जो होते हैं कोई भी पूरी पूरी क्लासेस नहीं डालता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला कीवर्ड देखिए। अगला कीवर्ड क्या होता है कि सिंस की अगर हम बात करें, तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस आ जाए, देखिए सिंस किस प्रकार से आएगा, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये सिंस आपके सामने आ गया। अब अगर सिंस जो है इसके बाद में सेकंड फॉर्म आता है या नहीं भी आता है तो भी इसके पहले आपको लेना है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैनी चेंजेस ब्लैंक सिंस वी लेफ्ट मंदसौर, तो मैनी चेंजेस ब्लैंक सिंस वी लेफ्ट मंदसौर, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सिंस के बाद जब सेकंड फॉर्म होती है तो इधर हम लगाते हैं हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैव टेकन। तो मैनी चेंजेस हैव टेकन सिंस वी लेफ्ट मंदसौर, जब से मैंने मंदसौर छोड़ा है तब से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, अभी आपने क्या देखा था, अब वापस से बताता हूँ, देखो एक चीज़ और कि अगर बिफोर आएगा तो इसके इधर तो सेकंड फॉर्म रहता ही है, और सिंस आएगा तो भी इधर सेकंड फॉर्म रहता है, लेकिन बिफोर के इधर आ जाता है हैड थर्ड फॉर्म और सिंस के इधर आ जाता है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आता है और बिफोर के इधर हैड थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन सिंस के इधर सेकंड फॉर्म आता है तो सिंस के इधर हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आता है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए सिंस
तो सिंस आई ज्वाइंड लेयर थ्री, तो सिंस के बाद देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो इधर हम लगा देंगे माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, तो माई इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस आई ज्वाइंड लेयर थ्री। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब एरर टाइप क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एरर आ जाता है, मान लीजिए कि आई डिड नॉट सी हर सिंस शी लेफ्ट इंदौर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा शी सिंस, तो सिंस से मेरी एक पिक्चर क्लियर हो गई कि सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और सिंस के इधर जो है ये आएगा हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। तो अगर ये चीज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो डिड नॉट सी है इसकी जगह मुझे लेना पड़ेगा हैव नॉट सीन, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हैव नॉट सीन। ठीक है, तो डिड नॉट सी की जगह आ जाएगा हैव नॉट सीन। आगे देखते हैं, जैसे अगला प्रश्न आ जाता है मेरे सामने कि सिंस शी मूव्ड अमेरिका आई हैड नॉट सीन हर। तो देखिए यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है और सिंस के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ये देखिए सेकेंड फॉर्म, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या पढ़ा था हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है और इसने यहाँ पे लगा दिया हैड, तो हैड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई के हिसाब से हैव से। तो आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी मूव्ड अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर चाहे वो सिंस से शुरू करे सेंटेंस, चाहे वो सिंस के बीच में ले, आपको तो ये पता होना चाहिए कि सिंस के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, ये देखिए सेकेंड फॉर्म, और दूसरी तरफ हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है, और देखिए कीवर्ड्स जिसमें सेंस फोर आता है, फोर भी आता है, चाहे फोर कब आता है ड्यूरेशन के साथ, ड्यूरेशन मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये ड्यूरेशन हो गया, और फोर सेंस कब आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट है, तो इसमें सेंस 2010, लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपको कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर आ जाएगा फिर 4 10 ईयर्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा सिंस मॉर्निंग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा 4 6 आवर्स, ये होता है ड्यूरेशन, तो इसके साथ 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने कि आई ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब सिंस मॉर्निंग अगर यहाँ पर आ रहा है तो मुझे यहाँ पर लेना है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज हैव तो जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब थर्ड फॉर्म हैड जो है ये भी एक थर्ड फॉर्म है, ये किसकी थर्ड फॉर्म है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, हैव हैड और हैड, लेकिन हैव का मतलब होता है होना, है ना, आई हैव, और बी ये जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, तो इसका मतलब भी होता है होना, तो दोनों के होने में क्या फ़र्क है, हैव का मतलब जैसे मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल, लेकिन बी का मतलब जैसे मैं खुद कुछ हूँ, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, तो बी का मतलब होता है इज एम आर, तो मैं टीचर था आई वॉज अ टीचर, तो यहाँ पर बात हो रही है मेरे होने की, तो मेरे होने की फॉर्म चलेगी ये वाली बिल्कुल नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी किसी वस्तु के होने की, तो इस केस में मुझे इसका थर्ड फॉर्म लेना है इस वाली फॉर्म का, तो इस वाली थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म है बीन, तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यही हूँ। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ जाए कि आई दिस मोबाइल फॉर 3 ईयर्स, अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है मोबाइल की, जैसा कि मैंने आपको कहा था किसी भी वस्तु पर पोजेशन, और जब मोबाइल की बात हो रही है बात हो रही है यहाँ पर 4 3 ईयर्स की, तो ऐसे केस में हम वापस से लगाएंगे हैज हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए मैंने हैव तो यहाँ से ले लिया, अब थर्ड फॉर्म हैड लूँ या बीन लूँ, तो बीन थर्ड फॉर्म होता है, ये किसी व्यक्ति के होने का होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो ही हैड बीन अ डॉक्टर, जैसे मैं टीचर हूँ 10 सालों से तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसी वस्तु की, तो इसके लिए फॉर्म आएगी हैड, तो यहाँ सही ऑप्शन बनेगा आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप इस टेंस का यूज़ बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी टाइप से इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास नोट्स वगैरह भी आपको उस क्लास के साथ में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे 2500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ जिसके बाहर तो एग्ज़ाम में मुश्किल जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट वे में तैयार किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।